नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति कड़वाने, कक्षा एक, विषय हिंदी। इस वीडियो में मैं आपको बड़ी ई की मात्रा समझाऊंगी। बच्चों, पहले आपने आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा समझी होगी, अब मैं इस वीडियो में आपको बड़ी ई की मात्रा समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है। ठीक है, ये देखिए, कक्षा एक, विषय हिंदी, ये है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हम राइट हैंड की तरफ से लगाएंगे, जो हमारा सीधा हाथ है ना, वहाँ से आपकी बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ये है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में अब मैं आपको चित्रों के द्वारा समझाऊंगी। ये देखिए, ई से ईक, ई से ईक, ई से ईट, ई से ईश्वर, ईश्वर ने भगवान। ठीक है, तो ये ई वाले जो वर्ण है, इससे बड़ी की मात्रा वाला जो वर्ण है, उससे हमने ये चित्रों के द्वारा समझा, ईक, ईट, ईश्वर। अब मैं आपको मात्रा समझाऊंगी, बड़ी की मात्रा से हमारे कौन से शब्द बनते हैं, उससे चित्रों द्वारा समझाती हूँ। ये है मछली, मछली, तो ल में बड़ी की मात्रा मछली है ना। छतरी, तो र में बड़ी की मात्रा लगी हुई है छतरी। दीप, तो द में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों, ये जो है बड़ी की मात्रा वाले चित्र है। ठीक है, तो अब हम वर्णों में बड़ी की मात्रा लगाकर बनाएंगे कि वर्ण का उच्चारण किस तरह से होगा। तो ये देखिए, ये हमारी वर्णमाला है, हम इसमें बड़ी की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे। जैसे ये क्या है, क, तो क में बड़ी की मात्रा की। ख, ख में बड़ी की मात्रा खी। ग, ग में बड़ी की मात्रा घी। घ में बड़ी की मात्रा घी, इसमें मात्रा नहीं लगेगी। च, च में बड़ी की मात्रा ची। छ में बड़ी की मात्रा छी। ज में बड़ी की मात्रा जी। झ में बड़ी की मात्रा जी। ट में बड़ी की मात्रा टी। ठ में बड़ी की मात्रा ठी। ड में बड़ी की मात्रा डी। और ढ में बड़ी की मात्रा ढी। ण में बड़ी की मात्रा ण। त में बड़ी की मात्रा ती। थ में बड़ी की मात्रा थी। द में बड़ी की मात्रा दी। ध में बड़ी की मात्रा धी। न में बड़ी की मात्रा नी। प में बड़ी की मात्रा पी। फ में बड़ी की मात्रा फी। ब में बड़ी की मात्रा बी। भ में बड़ी की मात्रा भी। म में बड़ी की मात्रा मी। अब देखिए, य, य में बड़ी की मात्रा यी। र में बड़ी की मात्रा री। ल में बड़ी की मात्रा ली। व में बड़ी की मात्रा वी। श में बड़ी की मात्रा शी। श में बड़ी की मात्रा शी। स में बड़ी की मात्रा सी। ह में बड़ी की मात्रा ही। श में बड़ी की मात्रा शी। त्र में बड़ी की मात्रा त्रि। ज्ञ में बड़ी की मात्रा गि। और श्र में बड़ी की मात्रा श्री। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके वर्णों में मैंने बड़ी की मात्रा लगाकर आपको उसके उच्चारण समझाए हैं। अब मैं आपको दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्दों के बारे में जोड़कर बताऊंगी कि बड़ी की मात्रा उनमें जोड़ेंगे तो किस तरह से शब्द पूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं ये दो अक्षर वाले शब्द। ठीक है, जैसे च जोड़ ई की मात्रा जोड़ त जोड़ आ, चीता। न जोड़ द जोड़ ई की मात्रा नदी। प जोड़ र जोड़ ई की मात्रा परी। च जोड़ ई की मात्रा जोड़ ल, चील। अब ये देखिए, तीन अक्षर वाले शब्द। ठीक है, अभी हमने दो अक्षर वाले शब्द पढ़े, अब हम तीन अक्षर वाले। प जोड़ ई की मात्रा त जोड़ आ की मात्रा पपीता। छ जोड़ त जोड़ र जोड़ ई की मात्रा छतरी। क जोड़ ह जोड़
आ की मात्रा जोड़ न जोड़ ई की मात्रा कहानी, द जोड़ ई की मात्रा जोड़ व जोड़ आ की मात्रा जोड़ र दीवार। ये बच्चों हमारे तीन अक्षर वाले शब्द पपीता, छतरी, कहानी, दीवार। ठीक है, अब हम चार अक्षर वाले शब्द समझेंगे। चार अक्षर वाले शब्द ज जोड़ न जोड़ व जोड़ र जोड़ ई की मात्रा जनवरी, म जोड़ ख जोड़ म जोड़ ल जोड़ ई की मात्रा मखमली, स जोड़ ह जोड़ प जोड़ आ की मात्रा जोड़ ठ जोड़ ई की मात्रा सहपाठी, ज जोड़ आ की मात्रा जोड़ न जोड़ क जोड़ आ की मात्रा जोड़ र जोड़ ई की मात्रा जानकारी। तो ये चार अक्षर वाले हमारे शब्द थे बच्चों, जनवरी, मखमली, सहपाठी, जानकारी। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमने दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्द समझे हैं। अब हम इन्हीं शब्दों से वाक्य बनाना समझेंगे जिन वाक्यों में ई की मात्रा हो। ठीक है, तो अब हम वाक्य देखते हैं। आइए, ये है हमारे वाक्य। ठीक है, वाक्य में देखिए जो मैंने डैश कर रखा है ये बड़ी की मात्रा है, मीठी मीठी खीर खा। ठीक है, ये आ की मात्रा है इसमें और ये जो मात्रा है ये बड़ी की मात्रा है। ठीक है, अब नंबर दो, मीना मीठी लीची ला, तो मीना मीठी लीची ला। ठीक है, इसमें ये मैंने बड़ी की मात्रा पर डैश कराए। ठीक है, अब नंबर तीन, पीला पीला पपीता खा, पीला पीला पपीता खा। ठीक है, नंबर चार, गाय घास खा रही है, तो ये रही है इसमें भी बड़ी की मात्रा है। तो बच्चों ये थे हमारे वाक्य, हम इस तरह से इन शब्दों से वाक्य बनाकर पूर्ण कर सकते हैं। और भी आप अच्छे से वाक्य बनाओ, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, बड़े वाक्य नहीं बनाना है, छोटे छोटे वाक्य बना के आपको सीखना है। अब मैं आपको जो आपने बड़ी की मात्रा सीखी है, ठीक है, वर्णों में बड़ी की मात्रा लगाकर सीखा है आपने, तो ये आपने जो सीखा है उस पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अब आप मुझे बताना कि क्या है, आइए हम देखते हैं ये क्या है। ये है हमारा गृह कार्य। ये कार्य मैं आपको घर पे करने के लिए दे रही हूँ, आपको ये कार्य करना है और इसे अभ्यास करना है, सीखना है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा गृह कार्य क्या है, होमवर्क क्या है। देखिए ये हमारा है होमवर्क, वर्णों पर ई की मात्रा लगाकर अभ्यास करें। वर्णों पर ई की मात्रा लगाकर कैसे अभ्यास करना है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है, ये वर्णों पर ई की मात्रा लगाकर इस तरह से अभ्यास करना है। ठीक है, अब वापस आइए इधर, होमवर्क नंबर दो पे आपको क्या करना है, दो अक्षर वाले शब्द चार लिखना है, तीन अक्षर वाले शब्द भी चार लिखना है और चार अक्षर वाले भी शब्द चार लिखकर आपको अभ्यास करना है। तो आइए देखते हैं ये दो अक्षर वाले शब्द जो मैंने बताया आपको ये लिखकर प्रैक्टिस करनी है, तीन अक्षर वाले शब्द आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है और चार अक्षर वाले शब्द लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अब आइए वापस नंबर तीन पर, ई की मात्रा से वाक्य बनाने का अभ्यास करें। ठीक है, तो ये ई की मात्रा वाले जो वाक्य मैंने बनाए हैं इससे और भी वाक्य बनाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमारा था होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क अच्छे से आप घर पर करो और उसका अभ्यास करो और ई की मात्रा का अच्छे से अभ्यास करना और उसके द्वारा और भी अलग अलग शब्द बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना अच्छे से और इसे अच्छे से याद करना। थैंक यू।